यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड अगर आप इस वीडियो पे आए हो देन इट मींस कि आपको डिसीजन लेना है बिटवीन थ्री ऑफ द शैडो सोल्जर्स जो कि अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम इग्रिस, क्योंकि इग्रिस आपको गेम फ्री में देता है, बट उसके बाद देर आर थ्री मोर शैडोज टू चूज फ्रॉम। दोज आर बारूका यानी कि ब्लेड्स, उसके बाद आयरन और एक है टैंक। तो इन तीनों में से कौन से शैडो अच्छे हैं, कौन से शैडो के लिए आपको पहले जाना चाहिए, कौन से शैडो के लिए सेकंड जाना चाहिए और कौन से शैडो के लिए आपको थर्ड जाना चाहिए, और क्या आपको थर्ड शैडो के लिए जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फ्री में है और दो आप अनलॉक करोगे, सो दैट इज अ टोटल ऑफ थ्री, और आप एक टीम में तीन शैडोज टोटल लेके जा सकते हो। सो शुड यू गेट गो फॉर द फोर शैडो यानी कि पूरे के पूरे सभी शैडोज के लिए जाना चाहिए या फिर आपको अपग्रेड करना चाहिए? तो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए देन यू हैव क्लिक्ड इन द राइट वीडियो। तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए चलते बात करते हैं। सबसे पहले आर्मी ऑफ शैडोज में आप देखोगे तो देर आर फोर शैडोज राइट नाउ। वी हैव डन रिगरस टेस्टिंग और हमने डिसाइड किया कि कौन से शैडोज कितने स्ट्रांग है, कौन से शैडोज किस रैंक पर आते हैं, एंड ये जो पीछे आपको एक पांचवा शैडो देखने को मिल रहा है ये लॉक्ड क्यों है और ये कब अनलॉक होगा। सो बेसिकली दिस फिफ्थ शैडो इज टस्क जो कि गेम में ऑलरेडी आ चुका है। He is in the game, Mighty Shaman Kerguelen. इसका अपना एक फाइटिंग स्टेज है और ये शैडो बनने के बाद टस्क नाम से जाना जाता है बिकॉज इसके हॉर्न्स टस्क जैसे, राइट? सो ही हैज बीन नेम टस्क बाय संग जिनवू। तो इसका बेसिकली एबिलिटी है टू इंक्रीज द पार्गोज एक्विजिशन रेट। तो क्या वो अच्छा है? तो उस पर आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द फोर करेंट शैडोज हमारे पास है और ये कैसे आपको मिलेगा उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इग्रिस जो हमारे पास ऑलरेडी है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन माई ओपिनियन। सभी टीममेट्स को क्रिट रेट देता है 7%, वो भी मैक्स आउट होने के बाद 4% से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली हमने मैक्स आउट कर दिया इग्रिस को, अब और अपग्रेड करने को कुछ बचा नहीं, इज ऑलरेडी एट द मैक्स पोटेंशियल अनलेस दे एड मोर यानी कि मार्शल या ग्रैंड मार्शल। तो अभी के लिए ये मैक्स आउट इग्रिस है, तो टीम मेंबर्स को 7% क्रिट रेट और साथ में एक स्किल देता है ब्लेड एक्सेल। ये स्किल ये करता है इन द फाइट विच इज रियली वेरी स्ट्रांग फॉर हिम, ठीक है? So Igris is maxed, he is probably the second strongest या maybe the strongest shadow in the game. तो अब second strongest अगर ये है तो strongest shadow कौन सा है? तो the strongest shadow in my opinion is Blades, जो basically सभी team members को attack increase देता है। हमने basically इसे elite rank में कर दिया normal से, we will in future upgrade him to at least knight before elite knight, क्योंकि elite knight is the max, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा shadows चाहिए। अभी हमारे पास 200 तक हम पहुंचेंगे एंड वील अनलॉक दिस स्किल, बेसिकली दैट इज द टारगेट आई एम एमिंग फॉर। बट ब्लेड्स इज प्रॉबली द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन द गेम एंड इग्रिस फ्री मिलने के बाद आपको डेफिनेटली ब्लेड्स को सेकंड में अनलॉक करना चाहिए। एंड ये अटैक देता है जो सभी टीम मेंबर्स नहीं यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज गेम में तीन तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो अटैक पर स्केल करेंगे यानी कि उनका डैमेज अटैक के बेसिस पर रहेगा, दूसरे जिनका डैमेज एचपी के बेसिस पर रहेगा, फॉर एग्जांपल एमा, सीओ जीवू एंड मिन ब्यूंगू। तीसरा विल बी कैरेक्टर्स जिनका अटैक डिफेंस पर बेस्ड होगा। सो देर आर मेनी कैरेक्टर्स जिनका अटैक डिफेंस पर बेस्ड है, सच एज बेक योनहो लाइट वाला, एंड देन देर इज वु जिनचुल एंड उसके अलावा हुआंग डोंगसू। तो ये सभी कैरेक्टर डिफेंस पर स्केल करेंगे तो उनको आपको डिफेंस देना है, ओके? सो बेसिकली बारूक आपको अटैक देता है, फॉर द मोस्ट पार्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स इन द गेम अटैक पर स्केल करते हैं बिकॉज छा हे इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉबली, सो शी स्केल्स ऑन अटैक। चोई जोंग इन अटैक पर स्केल करता है और वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है? मे बी एमा, सीओ, ये सब इसका फायदा नहीं ले पाएगी, बट बाकी हंटर्स डेफिनेटली ले लेंगे जो अटैक वाले हैं। उसके बाद हम थर्ड नंबर पर आते हैं, तो थर्ड नंबर पर प्रॉबली टस्क हो सकता है, बट टस्क इज गोइंग टू बी फ्री। यस, टस्क के लिए आपको शेड्स नहीं देने पड़ेंगे, सो थर्ड टस्क विल बी फ्री, बट टस्क अभी अनलॉक नहीं है और आपको डेफिनेटली स्टोरी में पहुंचने के लिए, इवन आपको अगर 18th चैप्टर तक पहुंचना भी है इन द नॉर्मल मोड बिकॉज इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट, आपको तीन शैडोज चाहिए ही चाहिए। तो आप टस्क के लिए अगर सेव कर रहे हो दो को अनलॉक करने के बाद, दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, बिकॉज आप देखोगे आर्मी पार हमारा काफ़ी बढ़ता है विद द शैडोज और साथ में डैमेज भी अच्छे होते हैं जब तीन शैडोज आप फाइट में लेके जाते हो। डेफिनेटली यू हैव टू चूज बिटवीन आयरन एंड यू हैव टू चूज बिटवीन टैंक, तो इनमें सब किसको चूज करें? तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी को आयरन के लिए जाने के लिए बिकॉज आयरन स्केल करता है एचपी पर, यानी कि वो टीम मेंबर्स को एचपी देता है शैडोज अथॉरिटी से। तो बेसिकली एमा, सीओ, मेन ब्यूंगू, इन सब को जब आप यूज करोगे आप तब आयरन को लगा सकते हो एज योर मेन हंटर अगर आपको क्रिट रेट नहीं चाहिए तो, एंड ही विल इंक्रीज देयर एचपी जो बेसिकली इन टर्न उनका अटैक बढ़ाएगा।
अब इसको अगर हम नाइट पे करते हैं तो ये एक शील्ड देता है सभी टीम मेंबर्स को. सो इंस्टेड ऑफ अटैक इंक्रीज ये शील्ड देता है 10% ऑफ हिज यूजर्स मैक्स एचपी एंड इज ग्रांटेड टू ऑल शैडोज. ओके, तो शैडोज को शील्ड देता है ये. हंटर्स को शील्ड नहीं मिलेगा, शैडोज को शील्ड मिलेगा, विच इज ग्रेट. राइट, अब कमिंग ओवर, तो वर्स्ट चॉइस इन द गेम इन टर्म्स ऑफ शैडो इज गोइंग टू बी टैंक. इसको तो अनलॉक ही मत करो, मैं सजेस्ट करूंगा डोंट इवन अनलॉक हिम. इंस्टेड तीन अनलॉक करो इन तीनों को, एंड फिर मे बी ब्लेड्स या फिर इग्रेस, इन तीनों में से किसी एक शैडो को अपग्रेड करो. तो मेरा तो सजेशन यही बोलेगा आपको करने के लिए, बाकी फिर आपकी चॉइस है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर द मोस्ट ऑफ यू गाइस. ओके, दैट विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, टैंक आप चाहो तो अनलॉक कर सकते हो फोर्थ शैडो टू गेट अ टोटल ओवरऑल इंक्रीज इन योर आर्मी पावर, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. सो टैंक अनलॉक नहीं करना आपको. इग्रिस आपको फ्री में मिलेगा, देन यू नीड टू गो फॉर ब्लेड्स यानी कि बारूका, एंड देन यू नीड टू गो फॉर आयरन. और अपग्रेड किस हंटर को, किस शैडो को करना है विल टोटली डिपेंड ऑन आपको क्या चाहिए. आपको क्रिट रेट चाहिए तो इग्रिस के लिए जाओ, अगर आपको अटैक चाहिए तो आप ब्लेड्स के लिए जाओ. सो बेसिकली इट इज योर ओन चॉइस इन दिस मैटर. ठीक है, सो या आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन यू डिसाइडिंग कि आपको कौन से शैडो को लेना चाहिए. एंड इफ इट डिड हेल्प इन एनी वे डेफिनेटली लीव लाइक एंड सब्सक्राइब. गिव अवेज बहुत जल्दी आने वाले, सो डेफिनेटली चैनल का हिस्सा बनिए, बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट, एंड बहुत ही ऑसम गिव अवे होने वाला है. सो या ओके, तो अब अगर हम एक बार एक छोटी सी चीज मैं दिखाऊं, तो आपको अगर पता नहीं हो देन यू कैन क्रिएट योर टीम्स राइट हियर इन द मैनेज टीम सेक्शन. आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हो, यू कैन इवन सेट द टीम नेम. ठीक है, आप टीम नेम दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट से मैं इसको लाइट टीम नाम रखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लाइट टीम रख दूंगा नाम. ठीक है, सो अब मुझे सब चीजें लाइट रिलेटेड सेट करना होगा यहाँ पे. राइट, सो मैंने लाइट टीम नाम रख दिया. ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि सीओजी वो एचपी पर स्केल करती है, इनफैक्ट सीओजी वो नहीं, लाइट टीम में हमें यहाँ पर बेक्योनो को रखना पड़ेगा. तो ये बेक्योनो डिफेंस पर स्केल करता है, इसलिए हम ब्लेड्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि दो जन फायदा नहीं ले पाएंगे, मेन ब्यूंगू एंड बेक्योनो. तो इसलिए हम इग्रिस को लगाएंगे जो कि सबको फायदा देगा विद द क्रिट रेट दैट ही गिव्स. यहाँ पर वेपन हमारे पास डार्क टाइप है, डेफिनेटली आई विल स्विच ओवर टू अ लाइट वेपन, बट अभी हमारे पास कोई अच्छा लाइट वेपन नहीं है. सो एम वेटिंग फॉर अ गुड लाइट वेपन, सेकंड एसएसआर लाइट वेपन टू कम इन द गेम, क्योंकि डार्क के लिए ऑलरेडी देर आर मल्टीपल वेपन्स ऑलरेडी. राइट, बट बाकी एलिमेंट्स के लिए यानी कि विंड के लिए अच्छा वेपन नहीं है, लाइट के लिए अच्छा वेपन नहीं है, वाटर के लिए अच्छा वेपन नहीं है, और फायर के लिए अच्छा वेपन नहीं है सेकेंडरी. ठीक है, सो डेफिनेटली सेकेंडरी एक आ जाएगा, तो डेफिनेटली विल मेक अ फुल टीम, बट फॉर नाउ दिस इज द टीम दैट वी गोना क्रिएट. तो इस तरीके से आप टीम भी बना सकते हो अलग अलग गेम मोड में इंस्टेंटली टीम स्विच करने के लिए. सो विद दैट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. तो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.